सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके जो पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके दिल में क्या मैसेजेस है, लाइक दिल की बातें क्या है, जो हम मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग विद अ न्यू डेक। बहुत एक्चुअली इंतज़ार था इस डेक का। लेट्स सी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ल्यूमिनोसिटी, ये जो कार्ड आता है ना, ये और वर्दिनेस का, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इट शोज लाइक ना आपका ऑरा शाइन कर रहे हैं ना, तो मतलब अट्रैक्शन है वहाँ पे, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, वो दिख रहा है लाइक ना आपके लिए, आपके ऊपर फिदा है वाली एनर्जी नज़र आती है। अबंडेंस, वाओ, ये जो है ना वो एनर्जी डिफरेंट है, लाइक वो अबंडेंस को खींच लाती है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। सेक्सुअलिटी and the silver waterfall, और ये है डेटिंग एंड बॉटम डेक है लव। तो डेफिनेटली एक खूबसूरत प्यार की फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा एक डीप लव फील कर पाते हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे उनके दिल की बात चल रही है, उनको इच्छा है आपसे प्यार करे, बात करे, प्यार करे, इन द सेंस बहुत अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा है। एक खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे, जैसे ना एक कोई पानी के आसपास, कोई गार्डन हो या ऐसा कुछ खूबसूरत जगह हो, वहाँ पे आप लोग वापस मिले या मिले थे ना, उस बात की एनर्जी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि वही पल वापस आ जाए, या फिर ऐसे कुछ न्यू मोमेंट्स होंगे तो वो बहुत लाइक ना ऐसा लगता है कि कोई कि कहाँ पे, कहीं तो दूर जगह पे आपको लेके जाना चाहते हो, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका ऑरा उनको आपकी तरफ खींचता है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, चलो फाइनेंशियल हो, करियर हो, उसके ऊपर फोकस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप भी है, यस आप भी उनके ख्यालों में है। और ये अपनी जो ज़िंदगी में जो एक रूटीन है या निगेटिविटी है, या फिर एकदम एक खुशियाँ नहीं है या फिर एक हैपनिंग नहीं है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं ना, आपके साथ एक फ्री बर्ड की एनर्जी फील करते हैं, लाइक बेरंग जिंदगी में, यस बेरंग जिंदगी में सर रंग भरने की जैसे एनर्जी फील होते हैं। तो अगर आपसे मिलेंगे तो ये सब पॉसिबल होगा, इट्स लाइक वेरी कलरफुल एनर्जी हो सकती है, तो इसके लिए लाइक क्रेविंग फॉर योर एनर्जी। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं, मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। जस्ट से समथिंग टू मी, आई एम शटिंग यू आउट। मुझे लगता है कि समाव ऐसा लग रहा है कि आपको चुप कराना चाहते हैं, आपको चुप कराना चाहते हैं, कि जैसे आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ इस तरह से मतलब जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा ही मतलब गुस्सा कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, बार बार कुछ पूछ रहे हो, तो मतलब या तो फिर पूछ रहे थे और इसीलिए वो कह रहे कि मतलब थोड़ा वक्त तो मतलब जस्ट कट आउट द थिंग्स, ये सब नहीं सुनना है मुझे, और वो सुनना है, या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पूरी खामोशी है, और सिचुएशन स्पेशली अगर आपकी तरफ से ब्लॉक है तो ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहेंगे कि जस्ट से समथिंग, कुछ तो बोलो। इट डजंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, आपके आपसे दूर होकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, लाइक कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। आपसे जैसे प्यार करते हैं ना, वो लिटरली मतलब एक यूनिक है, इट्स लाइक अनदर आई लव, लाइक आई लव यू, बहुत अलग ही फीलिंग है, लाइक जैसे ना किसी को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हो, और कितना अलग ही एहसास है,
अलग ही एहसास है. आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी. आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, आप भी उनके लिए कुछ लाइक ना, हो सकता है कि उन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा हो, आपको हंसते मुस्कुराते, आप उनसे कुछ कह रहे थे वो देखा हो, तो उनको लगा है कि आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, सोच रहे हो, वो भी उनको फील होता है. आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू. आप ही के सपने देखे जा रहे हैं. मुझे लगा ना सपने में कुछ तो बात है, लाइक आपके सपने देखे जा रहे हैं. आई नो यू वोंट फील द सेम. माना कि आप नाराज़ हैं, पता है, बट फिर भी अब वो ऐसा लग रहा है ना कि आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे. आई कैप द टेक्स्ट. आपके जो मैसेजेस हैं ना, वो उन्होंने संभाल के रखे और वो बकायदा रीड किए जाते हैं. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे और अभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं. शायद कुछ है बात जो ठीक से नहीं हो पा रही है या हो नहीं सकती, इसलिए वो खामोश है. तो खामोश इसलिए है कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं. और यू मेक फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर. जिस तरह से खूबसूरत आपका एहसास है, आपने जिस तरह से उनको स्पेशल फील करवाया है, वो किसी और से नहीं हुआ है, इसलिए वो एहसास बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये वो कहना चाहेंगे. तो ये थे उनकी तरफ से मैसेजेस. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले. और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.